हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम हम कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल। आज हम करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सोलेनोइड। टू लॉन्ग है, लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है। टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड कैसा है, देखो डायग्राम बताओ। ठीक है, ये एक सोलेनोइड है और इसी के अंदर एक सोलेनोइड हो रहा है छोटा सा, इसको हम कहते हैं कोएक्सियल, जिसकी एक एक्सिस सेम है, जिसकी एक्सिस सेम है, इसकी लेंथ है पूरी L, इसकी लेंथ पूरी कितनी है L, ठीक है। इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है N1, अंदर वाले के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है N2, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पढ़ा ना आपने ये, एन वन तो कितना होगा बताइए, कितना होगा एन वन, देखो एन वन की वैल्यू होगी एन वन इंटू एल और एन टू की वैल्यू होगी एन टू इंटू एल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स निकालना चाहो तो एन वन इंटू एल, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये थोड़ा सा यूज है इसमें, इसलिए आपको बता दिया। आगे देखिए आप, अब इसमें बड़े वाले का रेडियस फिर आर है और छोटे वाले का रेडियस स्मॉल है। इसके अंदर इस तरह की बाउंड की जाती है, ये पढ़ा है ना आपने, ये बहुत पास पास होती है, मैं दूर इसलिए बना रहा हूँ तो क्या आपको समझ में आ सके अच्छे से, सेम टू सेम काम वही है। अगर आपको पहले वाला समझ में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आमतौर पर दिक्कत सभी को कहीं दो में आती है, पता नहीं चलता M1 टू M2 1 कैसे निकालें, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो ये अपना काम यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मेथड पे चलो, मेथड फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या था, रन ए करंट एनी वन ऑफ ए कॉइल, एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर बी, ये था ना। देखो किसी भी कॉइल में आप करंट मान लो आई, आई ठीक है, तो मैं मान रहा हूं पहली ऊपर वाली कॉइल में, ठीक है, पहली के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, पहली की वजह से दूसरी में निकाल रहे हैं। देखो अब तो इसमें बी करंट क्या है, देखो म्यू नोट एन वन आई, समझे इसी जो क्या लिखा मैंने, अरे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट एन आई, ठीक है, म्यू नोट एन वन आई, ठीक है। एन वन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दे आर एन वन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पहला काम हो गया अपना। उसमें क्या था, म्यू नोट आई अपॉन में टू आर इंटू एन वन, कैपिटल एन वन था क्योंकि वहां पे टर्न्स वो नहीं थी, लेंथ नहीं थी उसकी, कुछ रेडियस थी खाली, ठीक है। दूसरा काम, दूसरा काम क्या था, राइट मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकंड कॉइल, राइट मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकंड कॉइल। देखो कैसे लिखेंगे, फाई सेकेंड कॉइल के लिखना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में, देखो कैसे लिखेंगे, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है यहाँ पे, एन टू, अब लेंथ नहीं लेनी आपको अभी नहीं लेनी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है एन टू, ठीक है। ये आप इसको लिखना चाहो तो ये देखो फिर बी और एरिया, ठीक है। तो देखो एन टू क्या लिखता हूं मैं, एन टू इंटू एल,
बी देखो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, सोलनॉइड की बी, सोलनॉइड का बी इतना ही होता है हमेशा, ठीक है, कितना होता है म्यू नोट एन वन आई, और एरिया कितना होगा छोटी लूप का पाई आर स्क्वायर, बताइए समझ आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड स्टेप यूजिंग द डेफिनेशन of mutual inductance, ठीक है, अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन यूज करता हूं तो देखो क्या होती है, phi 21 is equal to m 21 i होता है ना ये, ठीक है, phi 21 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, देखो n 2 मैं सभी को एक साथ लिखूं, देखो म्यू नोट n 1 N2 pi R square L into में I, हर जगह भी इकट्ठा कर लिया मैंने, I को सेपरेट कर दिया क्योंकि I से I तो क्या होना है, कैंसिल आउट होना है, pi R square, ये सिलेंडर है, टाइप सिलेंडर है तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है pi R square L, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखा रहा हूँ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है समझ गए चीज, ये इसका रिजल्ट है, बस हो गया। अब सिमिलरली सिमिलरली बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम, एम वन टू अपॉन में वी इज इक्वल टू क्या जाएगा म्यू नोट एन वन एन, देयरफॉर एम वन टू और एम टू वन हमेशा क्या रहेंगे बराबर रहेंगे, ये हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा कोई भी कॉइल हो हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है, और इस कॉइल के लिए तो हम निकाल भी सकते हैं, पिछली कॉइल के लिए तो हमने निकाल सकते थे, तो हमने इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम बिल्कुल डायरेक्ट प्रूव कर दी, इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं, चीज़ वही आएगी सेम टू सेम, बस ये सिग्निफिकेंस जो है वन टू और एम वन टू एन, बस बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है, वही स्टेप आप काम करना, अब की बार इसमें करंट फ्लो करवाना और इसकी वजह से ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड रखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बी बी इक्वल टू मी नॉट आई रहेगी, बाहर तो जीरो होती है, क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इसमें यही था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल और कोएक्सियल सोलेनोइड शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, अगर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पता चल गया आपको किस तरह क्या लिखना है, ठीक है, अब एक छोटी सी लोग देखो किसी नहीं, कल हमने 6.9 एग्जांपल करवाया था, आज भी हम 6.9 एग्जांपल करवाएंगे, लेकिन वो होगा एक्सरसाइज का, इसका होगा एक्सरसाइज का, ठीक है, देखो पहली चीज तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लिखने का तरीका देखो आपके, काफी बार ये भी बताने पड़ते हैं, देखो phi इज इक्वल टू होता है एम आई होता है, ठीक है, अगर मैं यहां से लिखूं emf क्या होता है माइनस डी फाइव को डी, करंट टाइम के साथ चेंज करता रहता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने देखा हर कॉइल के लिए क्या है करंट पर डिपेंड करता है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी देखा था हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ठीक है, इसको भी लिख लेना आप, ये छोटा सा टर्म बना के कि ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस एम डी आई अपॉन में डी टी, ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज क्या है ये 6.9 इसी पे बेस्ड है, उसको करने ट्राई करते हैं, देखो 6.9 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो ये कह रखा है कि उसमें गिवन वैल्यू जो दे रखी है कि उसमें एक म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा आपको 1.5 हेनरी, अगर आपके पास बुक है प्रदीप की जिसमें भी आप देखना चाहें उसमें देख सकते हैं,
और उसमें जो करंट वेरी कर रहा है ना वो कर रहा है 0 to 20 एम्पियर इन टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। ठीक है, आपको इसमें फ्लक्स बताना है, वैसे तो खाली इसमें फ्लक्स ही बताना आपको, ठीक है, लेकिन अगर ई एम एफ इंड्यूस्ड है पूछने तो भी आपको बताना चाहिए। देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है एम इंटू आई, ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है 1.5, आई कितना है 0, तो देखो अगर 0 होगा ना तो फ्लक्स 0 होगा, लास्ट फ्लक्स कितना है 20 एम्पीयर, बस कितना हो गया ये 1.5, बताइए टोटल कितना होगा 30 होगा ना, हाँ 30 होगा, बस यही आंसर है इसका। ई एम एफ इंड्यूस अगर पूछे आप तो माइनस अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस किसका सिग्निफिकेंस बताता है, सिर्फ डायरेक्शन का। देखो एम कितना है 1.5, डी आई अपॉन डी टी, डी आई कितना है 20, चेंज इन करंट 0 से 20 है ना, तो 20 माइनस 0 20, टाइम कितना है 0.5, कितना आ जाएगा 360 वोल्ट। आसान था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस का है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है, ये आ गया समझ में, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक छोटा सा काम और करते हैं आज के लिए लास्ट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या बता रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस में, दिमाग से निकल गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बता रहा था मैं अभी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन एल एंड एम, ठीक है, इसको हम करेंगे अभी करेंगे, लेकिन पहले हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो सेल्फ इंडक्शन आपने किया हुआ है, क्या होता है बताया था मैंने, जब खुद की कॉइल में चेंज हो जाए तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसमें क्या जाएगा एल आई आ जाएगा, बस क्या जाएगा एल आई, इस एल को हम क्या कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एल को हम क्या कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर ये चीज, ठीक है, एम को क्या कहते हैं म्यूचुअल, एल को क्या कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेम टू सेम सब कुछ वही है, हेनरी इसकी यूनिट है और डायमेंशन वही आएगी, ठीक है, कोई चेंज मत नहीं है, ठीक है, चीजें सारी सेम टू सेम है, उसमें बस नेबर की कॉइल से होता है, इसमें अपनी खुद की कॉइल से होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो आप डायरेक्टली याद रखें, वो सुनना बस आज के लिए, इतना काम तो कर लोगे ना आप कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तक, ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक और रहता है वो बताएंगे अभी पहले, तो इसकी एक रिलेशन है और वो रिलेशन है देखिए क्या है, एम इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है के रूट एल वन एल टू, ठीक है, एम इज इक्वल टू के रूट एल वन एल टू, एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, एल वन और एल टू, एक इनर पार्ट का सोलेनोइड एक आउटर पार्ट का सोलेनोइड एल टू, और के कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, अच्छा जब इसकी वैल्यू 0 मिलेगी आपको, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कपलिंग नहीं होगी, और 1 मिलेगी तो इसका मतलब टाइट कपलिंग, ये बस आप जनरली याद रख ले बस, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, k के वैल्यू अगर 1 मिलेगी तो इसका मतलब ये है l दोनों बराबर होंगे, m भी दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे, तो उसके मतलब वो टाइट कपलिंग होगी, अच्छी वाली कपलिंग होगी, बस इतना रिजल्ट आप याद रख ले, ठीक है, ये रिजल्ट याद रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, है नहीं वैसे ये, लेकिन फिर भी आप याद तो कर ले कम से कम, ठीक है, क्या पता कहाँ काम आ जाए,
ठीक है। तो अगला जो काम अपना रहेगा, लास्ट काम रहेगा, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही हम काम पार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें हर कुछ होता हो गया है, ठीक है। ओके, गुड बाय।